बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद असद, सऊदी अरबिया दमाम सिटी से। इधर या इधर आपको एक कमेंट दिखा रहा हूं। मेरे दोस्त और प्यारे भाई ये कहते हैं उम्रा वीज़ा को वर्क वीज़ा पर कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं इस पर तब्दील कर सकते हैं कि नहीं। इस पर मेरे प्यारे भाई, कई दोस्त यहाँ पर आते हैं ना उम्रा वीज़ा पर, और वो भाग जाते हैं, मक्का में आते हैं, मदीना में आते हैं, तो वो भाग जाते हैं अपने गाँव वालों के दोस्तों के पास, जो कि अक्सर हम सुनते हैं। क्योंकि वर्क जो कि उम्रा वीज़ा वाले हैं, अब किसी भी सऊदी अरबिया किसी सिटी में भी उतर सकते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। कोई इससे पहले होता था कि जद्दा में उतर सकते थे या मदीना में उतर सकते थे, तैफ में उतर सकते, यानी करीब करीब जो एयरपोर्ट है मक्का के, उसी एयरपोर्टों के ऊपर ही उतर सकते थे। लेकिन अब ऐसा है कि नहीं, आप सऊदी अरबिया के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं उम्रा वीज़ा वाले, तो उतर सकते हैं। उनको टिकट वहाँ पर मिल सकता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। चाहे आपका दिल करता है रियाद में उतरने को, तो रियाद में भी उम्रा वीज़ा वाले आ सकते हैं, तो आप मक्का जा सकते हैं। दमाम चाहे उतरना चाहे मदीना में, जद्दा में, मतलब आप किसी भी आपका दिल करता है जहां पर आपको टिकट सस्ती मिलती है वहां पर आप उतर सकते हैं। अपने पैसों की बचत भी करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है। तो प्यारे भाई, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ, अपने मुद्दे भी बात बताते हैं कि प्यारे भाई मुहतरम, कि उम्रा वीज़ा पर आकर सऊदी अरबिया के अंदर आप वर्क वीज़ा पर कन्वर्ट नहीं कर सकते मेरे भाई भाई। जितना मर्ज़ी आप ज़ोर लगाएं, पर ये कोशिश नहीं करनी। आपने उम्र वीज़ा पर आते हैं सऊदी अरबिया के अंदर, तो आप कहीं भाग जाएं अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, जिस तरह मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर कई ऐसे सराकी भाई हैं जो हमने देखे मक्का के अंदर, जो कि अपने रिश्तेदारों से भाग जाते हैं और कई कई साल यहाँ पर काम करते हैं। तो हम उन भाइयों से इस वीडियो के तलसल से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्यारे भाइयों, जब आप आते हैं सऊदी अरबिया के अंदर उम्रा वीज़ा पर या विज़िट वीज़ा पर, तो ऐसे काम मत किया करें। जिस तरह के दुबई ने, आपको पता है कि बैन लगा दिया है पाकिस्तान के चुन के शहरों के, 19 शहरों के ऊपर चुन कर बैन लगा रखा है कि इन इलाकों से कोई भी सऊदी अरबिया के अंदर, दुबई के अंदर विज़िट वीज़ा पर नहीं आ सकता। अगर आ सकते हैं इन 19 शहरों में से, तो सिर्फ आ सकते हैं वर्क वीज़ा पर, विज़िट वीज़ा पर नहीं आ सकते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्यारे भाइयों से कि आप ऐसा ना किया करें। आप जब भी सऊदी अरबिया के अंदर वर्क वीज़ा पर आते हैं, चाहे उम्रा वीज़ा पर आते हैं, तो प्यारे भाइयों अपनी मुद्दत के दौरान वापस जाया करो। ये एक बहुत अच्छी बात है, एक पाकिस्तान का इमेज अच्छा बनता है इससे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसी वजह से कि पाकिस्तान की रैंक, पासपोर्ट की रैंकिंग इसी वजह से नीचे जाती है। दुनिया के लास्ट तीन मुल्कों में से चौथे नंबर पर पाकिस्तान का पासपोर्ट आता है, सिर्फ इसी वजह से कि हम लोग किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं विज़िट करने के लिए, तो वहां पर भाग जाते हैं, वापस नहीं आते। इसी वजह से हमारे पासपोर्ट की मुद्दत वैल्यू बहुत ही कम होती जा रही है, जो कि अफ़गानिस्तान, इराक, यमन से ऊपर हमारे पाकिस्तान की पासपोर्ट की इमेज है। तो आप इसका ख्याल कोई और नहीं रखेगा, कोई बाहर से आकर हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं बनाएगा। आप अपने पासपोर्ट की वैल्यू खुद बनाएंगे, आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, कोई सियासतदान नहीं बनाएगा आपके पासपोर्ट की वैल्यू। वो तो बहुत ही अच्छी रैंकिंग कर चुके हैं हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग, लेकिन अपने पासपोर्ट की इज़्ज़त आपको खुद बनानी है। आप जिस मुल्क में भी ट्रैवल करना चाहते हैं, उसी मुद्दत के दौरान वापस आया करें। तो फिर हम आपसे रिपीट कर देते हैं कि आप सऊदी अरबिया के अंदर विज़िट वीज़ा पर आते हैं या वर्क, आप उम्रा वीज़ा पर आते हैं, आप इसको वर्क वीज़ा पर तब्दील नहीं कर सकते। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक दीजिए मोहम्मद असद को इजाज़त। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।